वाई एम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा की कामना करता हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार धमाके, आज 7 जुलाई हरियाणा सरकार 8 बड़े बड़े धमाकेदार फैसले, फैमिली आईडी, बीपीएल, राशन कार्ड, पेंशन, नई योजना, धमाके, महा ऐलान, हरियाणा सरकार 5 अन्यादेश विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं अपडेट संपूर्ण हरियाणा सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करता हूं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ जरूर वहां जुड़ें। साथियों, सबसे पहले मैं मौसम की बात कर लेता हूँ। सावन बहका तो रूठ गए मेघ, मानसून की अब तक औसत से 23% अधिक बारिश, जुलाई के पहले सप्ताह में 90% कम बारिश। तो साथियों, मानसून की जो बारिश होती है उस बारिश के हिसाब से देखें तो ठीक बारिश है, लेकिन अगर जुलाई के प्रथम सप्ताह की बारिश देखें तो वो बिल्कुल जो है जीरो के बराबर रहा है। साथियों, अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद मानसून के बादल जुलाई के पहले सप्ताह में राज्य में कम बरसे हैं। राज्य हरियाणा के अंदर 30 जून से 6 जुलाई तक बहुत कम बारिश हुई है, अब अच्छी बारिश के संकेत मिले हैं। तो साथियों, शुक्रवार को पूरे प्रदेश माफी ज्यादा दादी शुक्रवार को पूरे प्रदेश में जो है वर्षा के संकेत है, इसकी चेतावनी जारी कर दिया। अविवाहितों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का तोहफा कल ये ऐलान कर दिया, और साथियों जो है इसका वो कर दिया गया है, 45 से 60 साल की आयु वाले अविवाहित पुरुष व महिला को 2750 रुपये, फैमिली आईडी 1,80,000 से कम आर्थिक आय वालों को मिलेगा पेंशन का लाभ। आगे मैं यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बीपीएल शब्द है ये शब्द यहाँ गलत जोड़ा गया है। ये जो यहाँ जो ये मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये जो बीपीएल शब्द है इससे आप जो है इस पर फोकस नहीं करना है। 1,80,000 इनकम सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें फैमिली आईडी के अंदर 1,80,000 से कम इनकम का बोला है। अब 1,80,000 वाले बहुत परिवार ऐसे भी तो जिनके बीपीएल नहीं बने, भाई सबके बीपीएल थोड़ी है। तो बीपीएल शब्द का कहीं भी कोई भी उल्लेख प्रदेश सरकार ने नहीं किया है, सरकार ने उल्लेख किया है फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम इनकम जिनकी भी है उन सभी अविवाहितों को, यानी रांडे तो आप कह लो, तो उन सभी रांडों को जो है सरकार ने पेंशन देने का ऐलान किया है। साथियों, प्रदेश के 1,80,000 रुपये तक के जो अविवाहित पुरुष हो या फिर अविवाहित महिला हो, उम्र कितनी होनी चाहिए, 45 साल से 60 साल, ये मैं अब आपको बता देता हूँ, इसको क्लियर कर लेना, ये जो कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन में क्लियर कर लेता हूँ। अविवाहित जो होता है यानी अविवाहित चाहे महिला हो चाहे आपका पुरुष हो, ये जो है अविवाहित का मतलब रांडा रंडवे, और जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने इसमें बड़ा कमेंट किया है कि आरएसएस के लोगों को पेंशन की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं, अविवाहित पेंशन की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। तो आरएसएस के जो लोग होते हैं वो शादी बहुत कम कराते हैं, रविंदर सिंह ढोल ने ये जो है वो किया था, आरएसएस के लोगों को शुभकामनाएं भी दी थी। और इस कैटेगरी में मुख्यमंत्री साहब भी आते हैं, अविवाहित है, गृह मंत्री अनिल जी भी आते हैं, लेकिन इनकम उनकी अधिक है तो इस वजह से शायद इस उनको पेंशन ना मिले। तो साथियों, अविवाहित का मतलब है यानी जिसकी शादी नहीं हुई, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। रांडा 45 साल से 60 साल उम्र है, 45 साल जैसे ही उसकी उम्र होगी उसकी ये पेंशन शुरू हो जाएगी 2750 रुपये, और जब ही उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो वो अविवाहित पेंशन से ऑटोमेटिक अपने आप बुढ़ापे पेंशन में चला जाएगा। ये तो बात हो गई रांडा या रंडवा या फिर जो है अविवाहित पेंशन की बात। अब बात कर लेते हैं दूसरी पेंशन का, इसमें इनकम की शर्त फैमिली आईडी के अंदर क्या लगाई है, 1,80,000। दूसरी जो पेंशन का ऐलान किया है वो विधुर पेंशन है, जिस तरह ये तो अविवाहित महिला और पुरुष की, विधुर जो है पुरुष की होती है, और जो महिला की कौन सी पेंशन होती है, विधवा पेंशन, विधवा चली रही है, विधवा मतलब जिसका पति मर गया हो वो जो औरत होती है वो विधवा औरत कहलाती है। साथियों, विधुर वो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो वो जो है विधुर कहलाता है, जिसकी पत्नी मर गई हो। यहाँ अविवाहित रांडे में 45 साल से 60 साल थी, लेकिन जो विधुर पेंशन है 40 साल से ही शुरू हो जाएगी,
40 से 60 तक, 60 में जैसे ये पहुंचेगा बुढ़ापा में ऑटोमेटिक चली जाएगी पेंशन, दोनों में सेम 2750 मिलेगी। लेकिन विधुर जो पेंशन है जिसकी पत्नी मर गई है साथियों, इसमें इनकम जो है 3 लाख से कम होनी चाहिए, 3 लाख तक की इसके अंदर शर्त है, और इसमें 1,80,000 की शर्त है फैमिली आईडी में, इसमें 3 लाख की शर्त है, और इसमें 5 साल भी घटा रखी है, अविवाहित में 45 है और विधुर में 40 है। तो इन दोनों पेंशनों में इस तरह का फर्क है जो कल सीएम साहब ने महाऐलान किया है। इस तरह जो है लगभग जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर 65,000 और 71,000 यानी 1,35,000 से अधिक लोगों को ये पेंशन मिलेंगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,35,000 रांडे यानी जिन्होंने, या महिला हो या पुरुष हो जिसने शादी नहीं करवाई है वो, और प्लस में विधुर यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, ऐसे जो है 40 साल और 45 साल से अधिक उम्र के 1,35,000 लोग हैं। तो ये जो है पेंशन इनकी शुरू कर दी गई है। कुवारों और विधुरों को 2750 रुपये पेंशन, जमीन के इंतकाल की प्रक्रिया ऑनलाइन। तो ये मैंने बता दिया। दूसरा बड़ा धमाका सीएम ने इसके अंदर किया है कि 2000 जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वो पक्की होंगी, वो नियुक्त की जाएंगी, नियमित की जाएंगी साथियों। तीसरा, ऐसी समुदाय पर 2019 के दौरान जो 54 मुकदमे दर्ज किए गए थे उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। कुवारा और अविवाहित पेंशन शुरू करने वाला प्रदेश का पहला जो है, देश का, पूरे हिंदुस्तान का पहला राज्य हरियाणा बना, जिस तरह बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना था, उसी तरह अविवाहित व कुवारों पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। तो साथियों अब आगे 73,000 दिव्यांगों को 8 सप्ताह के अंदर अंदर उनको प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे। अभियान चलाकर 2000 अवैध कॉलोनियों को नियमित रोकने की प्रक्रिया शुरू। तीसरा बड़ा धमाका इसके अंदर ये किया गया है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल, आपत्ति ना आई तो 10 दिन बाद आप नकल ले सकेंगे। साथियों पहले इसमें बहुत लंबा समय लगता था, अभी क्या है रजिस्ट्री के 7 दिन बाद जो है आपको इंतकाल मिलता था, और जो है फिर उसके 10 दिन बाद यदि कोई आपत्ति नहीं आती थी, ऑब्जेक्शन नहीं आता था, तो उसके 10 दिन बाद नकल मिलती थी। तो सरकार ने अब नया धमाका कर दिया है, अभी प्रॉपर्टी के इंतकाल की प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्री के बाद 7 दिन के अंदर इंतकाल करने का समय तय किया था, ये प्रक्रिया ऑनलाइन थी, पर इसे जो है ये जो इंतकाल करता था ये पटवारी को करना होता था। जब पटवारी सिस्टम में चढ़ाता था तो कानून घोषे होते हुए तहसीलदार के पास जाता था तब इंतकाल होता था। यहाँ पे इंतकाल में अभी कितना समय लग रहा था, संपत्ति का इंतकाल कराने में कई कई महीने लग जाते थे, कई तहसीलों में 10 से 20 हज़ार इंतकाल पेंडिंग है। अब इंतकाल की जो नई प्रक्रिया है वो ये रहेगी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हेलरिस पोर्टल में स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल होगा, पटवारी के पास कागज लेने जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके साथ ही इंतकाल की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, ये कोई भी चेक कर सकेगा, और 10 दिन में किसी की आपत्ति यदि ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो 10 दिन के अंदर अंदर अपने आप जो है स्वतः इंतकाल हो जाएगा। 10 दिन बाद व्यक्ति जो है इंतकाल की नकल लेने के लिए किसी तहसील या फिर अपने नज़दीकी जो CSC सेंटर है गांव में वहां से भी वो जो इंतकाल की नकल निकलवा सकता है। अगर कोई आपत्ति मान लो आ गई, तो अगर जमीन या संपत्ति को लेकर किसी ने कोई आपत्ति जताई है तब इसका मामला तहसीलदार के पास जाएगा। तो साथियों ये जो है यहाँ सरकार ने बहुत बेहतरीन फैसला यहाँ प्रदेश सरकार ने लिया है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी आईडी में जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं को लेकर अब जो है प्रत्येक सप्ताह जो है कैंप लगेंगे। कैंप लगाने का ऐलान माननीय यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया है कि भाई प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो भी समस्याएं हैं, और 3 लाख जो है अगर मैं आपको बताऊं तो 3 लाख प्रॉपर्टी आईडी की जांच चल रही है, हर सप्ताह कैंप लगाने का ऐलान जो है सीएम ने किया है। प्रॉपर्टी आईडी की 3-5 लाख त्रुटियाँ ठीक कर दी हैं, आगे भी जो त्रुटियाँ हैं वो त्रुटियाँ ठीक की जाएंगी। तो साथियों ये आज के बड़े बड़े धमाके थे जो हमने विस्तार पूर्वक आपको दिए हैं, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।